दोस्तों, अगर आपको हिंदी टाइपिंग आती है तो आप सरकारी नौकरी के लिए तो पात्र हैं ही, साथ में आप अपना प्राइवेट कोई भी काम कर सकते हैं। आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, आप टाइपिंग जॉब बॉक्स रिलेटेड कोई भी काम ले सकते हैं, और भी ढेर सारी चीजें हैं जो हिंदी टाइपिंग से आप कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिमन्यु भरद्वाज आपका स्वागत करता हूं माय बिग गेट स्मार्ट क्लास पर। इस चैनल पर मैं आपके लिए लेकर आता हूं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए ढेर सारे टिप्स और ट्रिक्स। तो अगर आप नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, उसी से आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलने वाले हैं। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हिंदी टाइपिंग कैसे करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हिंदी टाइपिंग करने के लिए सबसे पहले अपने एमएस वर्ड को ओपन कर लीजिए, और यहां पर आपको फॉन्ट में सेलेक्ट करना है कुर्तिदेव या देवलेस फॉन्ट को। तो यहाँ पर जो फॉन्ट है, जो हिंदी के फॉन्ट हैं, आपको कुछ इस तरह से डिस्प्ले होंगे। आप किसी भी फॉन्ट को सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, देवलेस 10 फॉन्ट मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। अब बात करता हूँ साइज़ की। तो मिनिमम आप जो साइज़ है, स्टैंडर्ड जो साइज़ होता है टाइपिंग करने में, वो होता है 16। तो आप यहाँ से उसको सेलेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद अपनी उंगलियों को अपने कीबोर्ड पर रखिए। कीबोर्ड पर उंगलियाँ कैसे रखनी है ये भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेरे पास एक स्टैंडर्ड टाइपिंग कीबोर्ड है। ये कीबोर्ड TBS का है, और मेरे हिसाब से आप एक ऐसा ही कीबोर्ड ले लीजिएगा अगर आप हिंदी टाइपिंग सीखना चाहते हैं। यहाँ पर जो की हैं वो बहुत ही सॉफ्ट दी गई होती हैं, और आप आराम से इस कीबोर्ड पर हिंदी टाइपिंग सीख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ ध्यान देने वाली चीज़ों की। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो कीबोर्ड है ये इंग्लिश में है, और हिंदी टाइपिंग अगर आपको सीखनी है तो आपको इंग्लिश कीबोर्ड पर ही हिंदी टाइपिंग सीखनी होगी, क्योंकि मार्केट में कुछ ही कीबोर्ड ऐसे हैं जिन पर जो प्रिंट है कीज़ पे वो हिंदी में दिया गया होता है, आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा। तो इसका सीधा समाधान यही है कि आप सीधे सीधे इसी कीबोर्ड पर टाइपिंग सीखना शुरू करें। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो कीबोर्ड है वो क्वालिटी कीबोर्ड है, और यहाँ पर टाइपिंग के लिए ये 3 रॉज दी गई हैं, और ये जो 3 टाइपिंग रॉ हैं इन्हीं पर हमें जो हिंदी के सारे शब्द हैं वो बनाने हैं। और मैं आपको एक फैक्ट और बता दूँ कि हिंदी टाइपिंग इंग्लिश टाइपिंग से कठिन होती है, क्योंकि इसमें मात्राएँ भी होती हैं, कुछ शब्द आधे भी होते हैं, कुछ शब्द पूरे भी होते हैं, जो कि इंग्लिश टाइपिंग जो है उसमें सारे शब्द आपको सामने दिए गए हैं। अब बात करते हैं कीबोर्ड पर होम की को सेट करने की। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कीबोर्ड की स्टार्टिंग है वो है ASDF से। जब हम इंग्लिश टाइपिंग सीखते हैं तो जो उंगलियाँ हैं वो पहले A पर रखते हैं, फिर S, फिर D और F, और यहाँ से 2 बटन छोड़ के फिर उंगलियाँ ऐसे रखते हैं। लेकिन हिंदी टाइपिंग में जो उंगलियाँ हैं वो S से हम रखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरह से उंगलियों को सेट करते हैं। जो हमारी ये छोटी उंगली है वो S पर रहती है, फिर उसके बाद D, फिर F, फिर G, और इस तरह से यहाँ पर हम 2 बटन बीच में छोड़ देते हैं, और जो सीधा हाथ है वो यहाँ से रखते हैं इस तरह से, ये आप देख रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो उंगलियाँ हैं हमारी दोनों, उसके पास 2-2 बटन रहते हैं, यानी ये जो उंगली है वो K को भी प्रेस करेगी और J को भी प्रेस करेगी। इसी तरह से ये उंगली G को भी प्रेस करेगी और H को भी प्रेस करेगी। तो यहाँ से हम टाइपिंग करना शुरू करते हैं। स्पेस का जो बटन है वो हमारे हमेशा अंगूठे से रहता है, तो इस कीबोर्ड को हम हमेशा 2 हिस्सों में बांट लेते हैं। कीबोर्ड का एक हिस्सा इस हाथ के पास रहता है, और ये जो दूसरा हिस्सा है वो इस हाथ के पास रहता है। और ये कायदा है कि जो बटन इस हाथ से प्रेस करने हैं वो आप इस हाथ से कभी प्रेस नहीं करेंगे, तभी आप अच्छी टाइपिंग की स्पीड ला पाएंगे। अब चलिए शुरू करते हैं कि स्टार्टिंग करनी कैसे है। तो सबसे पहले हम प्रेस करते हैं S को। तो यहाँ पर जब आप S प्रेस करेंगे तो आएगी छोटी A की मात्रा, उसके बाद आप प्रेस करेंगे D को तो यहाँ पर आएगा क, फिर आप प्रेस करेंगे F तो उससे आएगी छोटी E की मात्रा, फिर आप G को प्रेस करेंगे तो आएगा ह, फिर आप H को प्रेस करेंगे इसी उंगली से तो आएगी बड़ी E की मात्रा। अब यहाँ पर हम सीधे हाथ से शुरू करते हैं, तो ये जो कॉमा का बटन है जब हम इसे प्रेस करेंगे इस उंगली से तो यहाँ पर आएगा श, उसके बाद ये जो बटन है इसको प्रेस करेंगे तो आएगा य, फिर उसके बाद ये जो L बटन है इसको जब हम प्रेस करेंगे तो आएगा स, फिर यहाँ पर जब हम K को प्रेस करेंगे तो आएगी अ की मात्रा, और उसके बाद में J को जब आप इसी उंगली से प्रेस करेंगे तो आएगा र। इसके बाद आप अंगूठे से स्पेस दबाएंगे, फिर दोबारा से इन्हीं बटनों का अभ्यास करेंगे। अब ये जो बटन है आपको अपने दिमाग में याद करने हैं, आपको अपनी उंगलियों पर याद करने हैं, और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये प्रैक्टिस आपको तब तक करनी है जब तक आप इन बटनों को याद नहीं कर लेते हैं, इन बटनों से आप शब्द नहीं बना लेते हैं। अब शब्द कैसे बनेंगे, अब बात करते हैं अभ्यास 2 की, यानी दूसरे दिन की। तो इन बटनों से बनने वाले शब्द हैं वो मैं आपको बता देता हूं। अब अगर आप बना लेते हैं बिना देखे कुछ इन शब्दों को जो मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर मैं आपको 20 शब्द बता रहा हूं जिनका आपको अभ्यास करना है हिंदी टाइपिंग करने के लिए। ये जो अभी की बताई हैं इन कीज के लिए ही। तो यहां पर आपको सबसे पहले लिखना है कह, उसके बाद सिर,
उसके बाद कास, फिर कोरा, शिकारी, सारिका, सहारा, कहार, कहिए, होश, रोकिए, हीरा, कार, शीश और सारा। यहाँ पर ये जो शब्द हैं, आपको हर शब्द को कम से कम 10-10 लाइन में टाइप करना है, तो ये जो दूसरा दिन है आपका इन्हीं शब्दों के अभ्यास में जाएगा। और जब तक ये शब्द आपको अच्छे से याद ना हो जाएं, तब तक आपको टाइप करना है। शुरुआत में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, ध्यान देना है आपको सही टाइप करने पर। अब चूंकि हमने बीच वाली लाइन को सीख लिया था और हमने कुछ इस तरह से यहाँ पर टाइप किया था, ये देखिए, हमने आपको बताया था कि ये जो उंगली है इसके पास ये दोनों बटन रहेंगे। अब बात करते हैं शिफ्ट की, तो शिफ्ट दबाते समय आप यहाँ पर कीबोर्ड पर देखेंगे कि आपके दोनों हाथों के पास यहाँ पर शिफ्ट का बटन है, कंट्रोल का बटन है, ऑल्ट का बटन है। तो ये जो तीन बटन हैं ये आपके दोनों हाथों के लिए यहाँ पर दिए गए हैं। इसके अलावा आप देखेंगे और कोई यहाँ पर जो ऊपर बटन है वो डबल नहीं दिया गया है, ये सिर्फ तीनों बटन जो हैं ये डबल दिए गए हैं ताकि आप इनका इस्तेमाल दोनों हाथों से कर पाएँ। और साथ में ये जो स्पेस बार है ये भी इतना बड़ा दिया गया है कि आप जब ज़रूरत हो तो इस हाथ से स्पेस दबा दें और जब ज़रूरत हो तो इस वाले हाथ से भी आप स्पेस का इस्तेमाल कर लें। अब बात करते हैं कि शिफ्ट का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि मुझे अगर S को शिफ्ट से यूज़ करना है तो मेरी ये जो छोटी वाली उंगली है ये इधर वाले शिफ्ट को प्रेस करेगी और उसके बाद मुझे S को प्रेस करना है। यानी यहाँ का नियम ये है, जब आप लेफ्ट हैंड से बटन को प्रेस करेंगे तो राइट हैंड वाले शिफ्ट का इस्तेमाल करेंगे और जब राइट हैंड से किसी बटन को प्रेस करेंगे तो लेफ्ट हैंड वाले शिफ्ट का इस्तेमाल करेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ऐसा नहीं करना है कि ये बटन दबाया और ऐसे आपने टाइप कर दिया, एक ही साइड का शिफ्ट ले लिया और एक ही साइड का बटन ले लिया। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो क्वेरिटी कीबोर्ड है हम इसके दो हिस्से कर लेते हैं, एक हिस्सा इस हाथ के लिए रहता है और एक हिस्सा इस हाथ के लिए रहता है। तो इधर उधर इंटरफेयर नहीं करना है, इस वाले हाथ से हम इस बटन को नहीं दबा सकते हैं। लेकिन जब शिफ्ट का इस्तेमाल करेंगे तो बटन इस वाले हाथ से दबाएंगे और शिफ्ट इस वाले हाथ से दबाएंगे ताकि आपके टाइपिंग में स्पीड आए। तो अब देख लेते हैं कि कौन से बटन दबाकर हम कौन कौन से शब्द यहाँ पर बना सकते हैं। सबसे पहले जो हमारा लेफ्ट हैंड है उससे बटन प्रेस करना शुरू करते हैं। यहाँ पर हम ये उंगली से शिफ्ट को प्रेस करेंगे और दबाएंगे एस को। तो जब आप एस दबाएंगे तो आपको जो बड़ी ए की मात्रा है यानी जो दो मात्रा है वो आपको वहाँ पर मिलेंगी। फिर उसके बाद ये बटन दबाना है यानी डी दबाना है आपको और यहाँ पर मिलेगा आपको आधा क। इसके बाद एफ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा आधा थ। इसके बाद जी प्रेस करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा ल। और इसके बाद इसी बटन से आपको H प्रेस करना है तो यहाँ पर मिलेगा हमको आधा भ। अब इसके बाद अंगूठे से स्पेस को प्रेस करेंगे, ये वाली उंगली से शिफ्ट दबाएंगे और यहाँ पर ये जो उंगली है हमारी इससे हम कॉमा को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आएगा आधा श। उसके बाद ये जो दूसरा कॉमा है इस बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास रू। इसके बाद हम L को प्रेस करेंगे इस उंगली से तो यहाँ पर जैसे हम इसे प्रेस करेंगे तो आएगा आधा स। इसके बाद हम प्रेस करेंगे K को तो यहाँ पर आएगा हमारे पास ज्ञ। ध्यान रखिएगा मैंने यहाँ पर शिफ्ट को प्रेस किया हुआ है। और उसके बाद इसी उंगली से हम जे को जब प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास श्र, जिससे हम श्री बनाते हैं। तो इस तरह से ये जो सारे बटन हैं वो हमें शिफ्ट के साथ में इस्तेमाल करने हैं। अब ये जो सारे शब्द मैंने आपको बताए हैं ये कम से कम आपको A4 के जो तीन पेज हैं आपके MS Word में उनमें आपको टाइप करना है। कम से कम 3 घंटे तो अभ्यास आपको करना ही है जब तक ये बटन आपकी उंगलियों को याद ना हो जाएं। अब बात करते हैं अपने चौथे दिन के अभ्यास की। तो आपको चौथे दिन में इस रॉ से बनने वाले सारे शब्द बनाने हैं, यानी हम यहाँ पर शिफ्ट वाले और बिना शिफ्ट वाले सभी शब्दों को आपको बताने वाले हैं। कम से कम 20 शब्द मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा ताकि आप उनका अभ्यास कर सकें। तो आपको यहाँ पर बनाना है श्री, उसके बाद दूसरा शब्द है भी, तीसरा शब्द है थी, चौथा आपको बनाना है रू, इसके बाद पांचवा है कास्य, छठवां है हाथ, सातवां है श्रेय, आठवां है कक्का, नौवां है हुक्का, दसवां शब्द है हतिया, 11वां है किस्सा, 12वां शब्द है स्याही, 13वां शब्द है रुकिए, 14वां शब्द है भरिए, 15वां शब्द है श्रेयश, 16वां शब्द है किसके, 17वां शब्द है रस्सी, 18वां शब्द है हास्य, 19वां शब्द है कथा और 20वां शब्द है कोश।
तो इन 20 शब्दों का आपको अभ्यास करना है चौथे दिन के लिए, और हर शब्द के लिए आपको कम से कम 5 लाइन टाइप करनी है, 3 घंटे मिनिमम आपको अभ्यास करना है। तो ये जो बीच वाली लाइन है ये आपको अच्छे से याद हो जाएगी आपकी उंगलियों पर, और अगर आप ये शब्द टाइप कर लेते हैं तो समझ लीजिए जो बीच वाली लाइन है वो आपकी क्लियर हो चुकी है। तो दोस्तों अभी तक हमने इस मिडिल रो की टाइपिंग सीखी थी, यहाँ पर इस पूरी रो को हमने बनाया था होम रो, और अब हम बात करने वाले हैं ये ऊपर वाली रो की, जिसके नाम से ही कीबोर्ड का नाम बना है, यानी क्वेरिटी। तो ये जो रॉ है इस पर हम टाइपिंग शुरू करने वाले हैं, और इससे हम जानने वाले हैं कि कौन कौन से शब्द बनेंगे और कैसे आपको टाइपिंग करनी है। शिफ्ट के साथ मैंने आपको टाइपिंग करने का तरीका पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आप इस हाथ से टाइपिंग शुरू करते हैं तो इस उंगली से शिफ्ट दबाएंगे, और अगर आप इस हाथ से टाइपिंग करते हैं यानी सीधे हाथ से करते हैं तो इस वाली शिफ्ट को आप इस्तेमाल करेंगे। अब अपनी उंगलियों को वैसे ही सेट कर लीजिए जैसे आपने शुरुआत में करी थी, यानी अपनी होम रो पर। यहाँ पर आपको जे और एच बीच में छोड़ना है, और इसी एक उंगली से आपको ये दोनों बटन दबाने थे। अब चलते हैं अपने ऊपर वाली रो पर, तो यहाँ पर आपको ये जो उंगली है इससे शुरू करना है, और यहाँ से आपको W को प्रेस करना है। जब आप W को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर बनेगी बड़े U की मात्रा, उसके बाद आपको दोबारा से ये उंगली से E को प्रेस करना है तो यहाँ पर बनेगा म, उसके बाद आपको इस उंगली से R को प्रेस करना है तो यहाँ बनेगा त, फिर उसके बाद T को प्रेस करेंगे तो बनेगा ज, उसके बाद Y को प्रेस करेंगे तो बनेगा ल। अब इसी तरह से इस उंगली से आपको आगे बढ़ना है। अब इसी तरह से आपको इस वाले हाथ की ये वाली उंगली से स्टार्ट करना है, तो जैसे आप दबाएंगे इस उंगली से इस ब्रैकेट को तो यहाँ पर बनेगा आधा ख, उसके बाद इस उंगली से जब आप पी को प्रेस करेंगे तो बनेगा च, उसके बाद ओ को प्रेस करेंगे तो बनेगा व, यहाँ पर आई को प्रेस करेंगे तो बनेगा प, और यहाँ पर यू को इसी उंगली से प्रेस करेंगे तो यहाँ पर बनेगा न। अब यही प्रैक्टिस आपको बार बार यहाँ पर करनी है, और इससे जो बनने वाले शब्द हैं उनकी भी प्रैक्टिस आपको करनी है अगले दिन, यानी अगले दिन का आपको अभ्यास करना है। तो इससे बनने वाले जो शब्द हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला शब्द आपको बनाना है मत, दूसरा शब्द बनाना है आपको जल, तीसरा शब्द आपको बनाना है चमन, चौथा शब्द आपको बनाना है जलन, पाँचवा शब्द आपको बनाना है तीरथ, छठवां शब्द आपको बनाना है भरनी, सातवां शब्द आपको बनाना है करनी, आठवां शब्द आपको बनाना है चमकीला, नौवां शब्द आपको बनाना है जलजीरा, दसवां शब्द आपको बनाना है मामा जी, ग्यारहवां शब्द आपको बनाना है नमस्ते, बारहवां शब्द आपको बनाना है भरपूर, तेरहवां शब्द आपको बनाना है जनमत, चौदहवां शब्द आपको बनाना है तीरथ, पंद्रहवां शब्द आपको बनाना है नहाती, सोलहवां शब्द आपको बनाना है मजार, सत्रहवां शब्द आपको बनाना है मनमानी, अठारहवां शब्द आपको बनाना है मलमल, उन्नीसवां शब्द आपको बनाना है पान, और बीसवां शब्द आपको बनाना है चना। तो ये जो अभी मैंने आपको 20 शब्द बताए हैं वो इन दोनों रॉ से ही मिलकर बनेंगे, और चूंकि आप इन दोनों रॉ का अभ्यास कर चुके हैं तो आपको ये 20 शब्द बनाने हैं। अब बात करते हैं अपने पांचवें दिन के अभ्यास की, जहां पर आपको शिफ्ट का इस्तेमाल करना है ऊपर वाली रॉ के लिए। तो पांचवें दिन का अभ्यास आपको कुछ इस तरह से करना है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आप उल्टे हाथ के बटनों को दबा रहे हैं तो सीधे हाथ वाली शिफ्ट को यूज़ करेंगे, और अगर आप सीधे हाथ वाले बटनों को दबा रहे हैं तो आप उल्टे हाथ वाली शिफ्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो इसी तरह से हम यहाँ पर सबसे पहले शिफ्ट को प्रेस कर लेते हैं और शुरू करते हैं उल्टे हाथ से। तो जब आप डब्लू को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर बनेगी चंद्रबिंदी, ई को फिर प्रेस करेंगे तो बनेगा आधा म, और R को प्रेस करेंगे तो बनेगा आधा त, और T को प्रेस करेंगे तो बनेगा आधा ज, और Y को प्रेस करेंगे शिफ्ट के साथ में तो बनेगा आधा ल। फिर दोबारा आप शिफ्ट हटा लेंगे, स्पेस दबाएंगे, फिर इस हाथ की शिफ्ट को प्रेस करेंगे और प्रैक्टिस शुरू करेंगे। दबाएंगे ये वाला ब्रैकेट तो बनेगा आधा छ, जो छत्रीय वाला च होता है। उसके बाद प्री को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर बनेगा आधा च, उसके बाद ओ को प्रेस करेंगे तो बनेगा आधा व, उसके बाद आई को प्रेस करेंगे तो बनेगा आधा प, और यू को प्रेस करेंगे तो बनेगा आधा न। तो इस तरह से ये जो कीबोर्ड की दोनों रो हैं इनका पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं ये शब्द बनाने के लिए। अब इन दोनों रो को मैंने आपको शिफ्ट और बिना शिफ्ट के बता दिया है। अब इनसे बनने वाले शब्दों की प्रैक्टिस आपको इसके अगले दिन करनी है, तो वो शब्द मैं आपको बता देता हूँ, 20 शब्द जिनकी प्रैक्टिस आप अगले दिन कर सकते हैं। इसमें पहला शब्द है कक्षा, दूसरा शब्द है क्षमा, तीसरा शब्द है मम्मी, चौथा शब्द है सत्या, पांचवा शब्द है कैंपस, छठवां शब्द है सप्ताह, सातवां शब्द है व्यवहार, आठवां शब्द है सामाजिक, नौवां शब्द है सात्याहिक, दसवां शब्द है साप्ताहिक,
ग्यारहवां शब्द है व्यवहार, बारहवां शब्द है पतलून, तेरहवां शब्द है चाचा, चौदहवां शब्द है कच्चा, पंद्रहवां शब्द है लल्ला, सोलहवां शब्द है सत्य, सत्रहवां शब्द है पक्षी, अठारहवां शब्द है क्षमा, उन्नीसवां शब्द है प्यास और बीसवां शब्द है साहस। तो इस तरह से आपको इन 20 शब्दों की जो प्रैक्टिस है ये इसके अगले दिन करनी है और हर शब्द को कम से कम 20 बार आपको टाइप करना है। तो दोस्तों अभी तक हम जान चुके हैं अपनी होम रो के बारे में और टॉप रो के बारे में, आज हम जानने वाले हैं ये जो सबसे नीचे वाली रो है इसके बारे में कि इसको आपको कैसे उंगलियां रखनी है और कैसे टाइपिंग करनी है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आपको जब हिंदी टाइपिंग आप करेंगे कुर्तीदेव या देवलेस फॉन्ट पर तो कुछ उंगलियों को इस तरह से रखेंगे। तो यहाँ से आपका ये जो कोट वाला बटन है इस पर आप उंगली रखेंगे और ये उंगली इस तरह से चार यहाँ पर रखेंगे और यहाँ से एस से उंगली रखेंगे जो कि आपकी जी तक आएंगी। यहाँ पर आप इस उंगली से जी को और एच को प्रेस करेंगे और यहाँ पर आप इस उंगली से के को और जे को प्रेस करेंगे। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर टाइपिंग शुरू करनी है। अब ये जो होम रो पर हम उंगलियां सेट करते हैं ये उंगलियां हमेशा हमारी लौटकर यहीं पर आनी चाहिए। जैसे अगर हम ऊपर वाली रो के कुछ बटन्स को टाइप कर रहे हैं उनको टाइप करने के बाद आपकी उंगलियां लौटकर यहीं पर आएंगी। तो अब जैसे हम कुछ भी टाइप कर रहे हैं कहीं भी कीबोर्ड पर कुछ भी हम टाइप करेंगे तो उंगलियां हमारी लौटकर यहीं पर आनी है, यहां से ये उंगलियां हिलनी नहीं चाहिए। मान लीजिए आप आई को प्रेस करते हैं तो आई को प्रेस कीजिए और लौट के उंगली फिर दोबारा से के पर, अगर आप इस वाली उंगली से टी को प्रेस करते हैं तो टी को प्रेस करिए और लौट के उंगली दोबारा से आपकी होम रो पे ही आके सेट होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि नीचे वाली रो को हम कैसे टाइप करेंगे। सबसे पहले हम इस उंगली से प्रेस करेंगे जेड को, तो यहाँ पर आएगा जो किसी भी अक्षर के नीचे हम र उड़ाते हैं उसको। इसके बाद हम इस वाली उंगली से प्रेस करेंगे एक्स को, तो यहाँ पर आएगा ग। इसके बाद हम इस उंगली से प्रेस करेंगे सी को, तो यहाँ पर आएगा ब। और उसके बाद हम इस उंगली से प्रेस करेंगे वी को, तो आएगा अ। और दोबारा से वी से बी को प्रेस करना है तो आएगी छोटी ई। अब छोटी ई को बड़ी ई में कन्वर्ट करने के लिए हम इसके ऊपर र उड़ाते हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कैसे आएगा। अब यहाँ पर अब आ जाती हैं ये वाली उंगलियाँ, तो यहाँ पर आप इस उंगली से प्रेस करेंगे ये क्वेश्चन मार्क को, तो जैसे आप क्वेश्चन मार्क प्रेस करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा ध। इसके बाद यहाँ पर ये जो डॉट वाला निशान है इसको आप प्रेस करेंगे इस उंगली से, और जैसे आप इसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ड, पूरा नहीं बनेगा आधा बनेगा। इसके बाद यहाँ पर आप इस उंगली से प्रेस करेंगे ये वाली कॉमा के बटन को, और जब ये प्रेस करेंगे तो बनेगी ए। उसके बाद आप इस उंगली से प्रेस करेंगे एम को, तो यहाँ पर आएगा ऊ। और जब इसी उंगली से आप प्रेस करेंगे एन को तो यहाँ पर आ जाएगा द। तो इस तरह से आपको इन बटनों की प्रैक्टिस करनी है, एक एक करके दबा के देखना है। जैसे यहाँ पर हम एक बार दबा के दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है, अंगूठे से आपको दबाना है स्पेस बटन को। तो अब इस रो से बिना शिफ्ट के बनने वाले 20 शब्द मैं आपको बताने वाला हूँ जिनकी प्रैक्टिस आपको करनी है। सबसे पहले बनाना है आपको ग्रह, दूसरा है शब्द ब्रज, तीसरा शब्द है ध्रुव, चौथा शब्द है अग्र, पांचवां है ध्यान, छठवां शब्द है इकाई, सातवां शब्द है ग्रहण, आठवां शब्द है इधर, नौवां शब्द है एकाग्रता, दसवां शब्द है उकसाना, ग्यारहवां शब्द है रामायण, बारहवां शब्द है अजगर, तेरहवां शब्द है बरगद, चौदहवां शब्द है अनुक्रम, पंद्रहवां शब्द है एकाएक, सोलहवां शब्द है धनवान, सत्रहवां शब्द है उधर, अठारहवां शब्द है इधर, उन्नीसवां शब्द है ध्रुव और बीसवां शब्द है धन। तो ये जो 20 शब्द हैं इनकी प्रैक्टिस आपको करनी है ये नीचे वाली रो के लिए। अब बात करते हैं शिफ्ट के साथ में इन बटनों से कौन कौन से अक्षर बनेंगे और कैसे आपको शिफ्ट प्रेस करना है, तो चलिए जान लेते हैं ये भी। तो यहाँ पर आपको दोबारा से उसी तरह से उंगलियाँ सेट करनी है और ये ध्यान में रखना है, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है कि जब आप इस हाथ से आप बटन टाइप कर रहे हैं तो शिफ्ट जो है ये वाली काम करेगी, और जब इस हाथ से आप कुछ टाइप कर रहे हैं तो शिफ्ट आपको ये वाली प्रेस करके रखनी है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। अब जब आप ये वाली शिफ्ट को प्रेस करेंगे और जेड को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर पहले जो नीचे र उड़ रहा था वो नहीं आएगा, अब जो ऊपर र उड़ता है किसी भी चीज़ के वो आएगा। तो ये हमने जेड से प्रेस कर दिया। इस उंगली को जब हम एक्स से प्रेस करेंगे तो आधा ग बनेगा, और जब इस उंगली से हम सी को प्रेस करेंगे तो आधा ब बनेगा, और जब इस उंगली से हम वी को प्रेस करेंगे तो ट बनेगा, और जब इसी उंगली से हम बी को प्रेस करेंगे तो ठ बनेगा। इसी तरह से अब इस वाले उस पर आ जाते हैं और शिफ्ट ये वाली प्रेस कर लेते हैं। यहाँ पर जब क्वेश्चन मार्क को प्रेस करेंगे तो आधा घ बनेगा, घर वाला घ बनेगा। अब यहाँ से जब इसको प्रेस करेंगे तो झ बनेगा, यहाँ से जब इसको प्रेस करेंगे
तो ढ बनेगा, जो ढक्कन वाला ढ होता है वो बनेगा, और यहाँ से जब एम को प्रेस करेंगे तो ड बनेगा, और जब एन को प्रेस करेंगे शिफ्ट के साथ में तो छ बनेगा, यानी जो छतरी वाला छ होता है वो बनेगा। पूरी सीरीज एक बार प्रेस करके देख लेते हैं। शिफ्ट प्रेस किया, 1 2 3 4 5 स्पेस, उसके बाद ये वाली शिफ्ट प्रेस की, 1 2 3 4 5 स्पेस। तो इस तरह से आपको इन बटनों की तैयारी करनी है। अब समझ लेते हैं कि इन बटनों से बनने वाले कौन कौन से शब्द हैं जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो शब्द मैं बता देता हूँ, 20 शब्द आपको बनाने हैं। पहला शब्द है 11, दूसरा शब्द है राजेंद्र, तीसरा शब्द है ठिकाना, चौथा शब्द है झरझर, पांचवा शब्द है ठहाका, छठवां शब्द है झरना, सातवां शब्द है टमटम, आठवां शब्द है घनघोर, नौवां शब्द है अंताक्षरी, दसवां शब्द है घमंड, 11वां शब्द है झंडा, 12वां शब्द है ढक्कन, 13वां शब्द है टर्राना, 14वां शब्द है बाधा, 15वां शब्द है घमंडी, 16वां शब्द है चौकी, 17वां शब्द है ठिकाना, 18वां शब्द है छप्पन भोग, 19वां शब्द है घटिया, और 20वां शब्द है ढपोल शंख। तो इन 20 शब्दों की आपको प्रैक्टिस करनी है इस नीचे वाली लाइन के लिए, शिफ्ट के साथ जब आप बटन को प्रेस करते हैं। तो अगले वीडियो में हम जानने वाले हैं वो कौन से रूल हैं जिनसे आप अपनी टाइपिंग की स्पीड को और बढ़ा सकते हैं, और आपको क्या क्या चीज़ और ध्यान में रखनी चाहिए टाइपिंग करने के साथ में आपकी स्पीड भी बढ़ती जाए और आपकी एक्यूरेसी भी बनी रहे, यानी आपकी जो शुद्धता है टाइपिंग की वो भी बनी रहे। टाइपिंग करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप कीबोर्ड के सामने एक सही मुद्रा में बैठें और कीबोर्ड आपके हाथों के जितना नज़दीक हो सके उतना नज़दीक रखें। अपनी हथेलियों को कभी भी टेबल के ऊपर टिका के नहीं रखें, यानी अगर आप अपनी कलाइयों को टेबल के ऊपर टिका कर रखते हैं तो आपकी कलाइयों में दर्द भी हो सकता है और आपकी टाइपिंग में स्पीड नहीं आएगी। टाइपिंग करते समय अपनी सभी उंगलियों का इस्तेमाल करें, अंगूठे से स्पेस बटन को दबाएँ और बाकी दोनों हाथों से आधे आधे कीबोर्ड को बाँट लें, और जिस उंगली से जो बटन दबाया जाता हो उसी उंगली से वो बटन दबाएँ। अगर आप एक उंगली से या दो उंगली से टाइपिंग करेंगे तो आप कभी भी स्पीड नहीं निकाल पाएंगे। ज़्यादातर लोग जो नंबर कीपैड होता है उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, यानी उसकी प्रैक्टिस टाइपिंग करते समय नहीं करते हैं, जिससे जब टाइपिंग करते समय कुछ ऐसे शब्द आते हैं जिनमें नंबर्स होते हैं तो वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और कीबोर्ड के ऊपर वाले हिस्से से उन नंबर्स को इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखें, जिस तरीके से आपका क्वेरिटी कीपैड उपयोगी होता है उसी प्रकार आपका जो न्यूमेरिकल कीबोर्ड है वो भी उतना ही उपयोगी है। तो इसकी भी प्रैक्टिस टाइपिंग के कीबोर्ड के साथ ज़रूर करें। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो हमेशा टाइमर लगाकर ही टाइपिंग की प्रैक्टिस करें। इससे आप हमेशा उतने टाइम में टाइप करने की प्रैक्टिस कर पाएंगे जितना समय आपको दिया गया हो। इंग्लिश टाइपिंग के मुकाबले हिंदी टाइपिंग ज़्यादा कठिन होती है क्योंकि इसमें जो शब्द हैं उनकी मात्रा इंग्लिश टाइपिंग से डबल होती है। तो अगर आपको कोई शब्द कठिन लगता है तो आप उसकी बार बार प्रैक्टिस करें जब तक कि आपकी उंगलियां उसे याद ना रख लें। ध्यान रखिए, टाइपिंग में आप कुछ भी याद नहीं रखते हैं, ये सारे शब्द सारी मात्राएं आपकी उंगलियों को ही याद होता है। तो अगर आप एक प्रोफेशनल टाइपिस्ट बनना चाहते हैं, टाइपिंग में अपने झंडे गाड़ना चाहते हैं तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस ज़रूर करें। प्रैक्टिस ही सब कुछ है, कितने भी टिप्स और ट्रिक्स आप सीख लीजिए, बगैर प्रैक्टिस के आप कुछ नहीं कर सकते। एक और बात, हमेशा टाइपिंग करते समय टाइपिंग के जो शॉर्टकट्स होते हैं, यानी जो मात्राएं बनाई जाती हैं या कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि कीबोर्ड के शॉर्टकट्स द्वारा बनाए जाते हैं, उन्हें हमेशा याद रखें और उनकी लगातार प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि जब आप किसी एग्ज़ाम या टेस्ट में जाएंगे तो हो सकता है कभी कभी आपसे रिटन में भी वो शॉर्टकट्स पूछते जाते हैं, और टाइपिंग में तो ये बहुत सहयोग देते ही हैं। बहुत सारे जो टाइपिस्ट हैं वो टाइप करते समय हमेशा बैक स्पेस का लगातार इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन ध्यान रखिए जब आप किसी एग्ज़ाम में जाएंगे तो वहाँ पर आपको बैक स्पेस का ऑप्शन नहीं दिया जाता है। तो जितना हो सके बैक स्पेस को अवॉइड करें और सही टाइपिंग करने की कोशिश करें। अगर आप नए टाइपिस्ट हैं तो जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। शुरुआत में कुछ शब्द ऐसे होंगे जो आपसे नहीं बन रहे होंगे तो उन्हें तेज़ी से टाइप करने की कोशिश ना करें। धीरे धीरे जब आपकी टाइपिंग निखरती जाएगी तो आपकी स्पीड अपने आप ही बढ़ती जाएगी, लेकिन बैक स्पेस को अवॉइड करें, गलतियां कम करें। जितनी गलतियां कम होंगी आपकी सफलता के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अंतिम और महत्वपूर्ण बात, टाइपिंग में सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है आपका कीबोर्ड। तो अगर आप टाइपिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं या किसी ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जहां आपको टाइप टेस्ट देना है तो कीबोर्ड का चयन बड़े ही सोच समझ के करें। ऐसे कीबोर्ड का चयन करें जिसकी की सॉफ्ट हो, जिसमें न्यूमेरिकल कीपैड भी हो। तो एक चाहे कीबोर्ड सादा हो
आप मल्टीमीडिया कीबोर्ड ना लें, एक सादा कीबोर्ड का चयन करें, एक टाइपिंग कीबोर्ड मांगें, जिससे आपकी जो टाइपिंग की प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छे तरीके से होगी और आप अपनी परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे। या फिर आप गूगल पर टाइप कीजिए माई बिग गाइड, तो सबसे ऊपर mybigguide.com का रिजल्ट मिल जाएगा। लर्निंग जोन दिया गया है, इसके अलावा इंटरनेट, यूट्यूब और प्रिंटिंग के टिप्स और ट्रिक्स भी यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हमने कंप्यूटर नोट्स दिए हैं जो सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। बस इस पर आप क्लिक कीजिएगा और कंप्यूटर नोट्स यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। ये बिल्कुल सीरीज वाइज दिए गए हैं और यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ नीचे दी गई है, कंप्यूटर सामान्य ज्ञान क्विज। यहाँ पर हमने 50 से ज़्यादा ऑनलाइन क्विज दिए हैं जिनसे आप अपना कंप्यूटर ज्ञान परख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा अनसुलझे प्रश्नों के आसान जवाब, जो अक्सर करके आपके दिमाग में आते होंगे। हमने डार्क इंटरनेट के बारे में बताया है, ब्लू व्हेल गेम के बारे में बताया है, कॉल ड्रॉप क्या होता है ये भी हमने बताया है, इंटरनेट का मालिक कौन है ये भी बताया है, वाईफाई या लाईफाई क्या होता है। तो अगर इस तरीके का कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में है तो आप यहाँ पर जाकर उसको सर्च कर सकते हैं। आप देखें कि ये लिस्ट बहुत लंबी है, लगभग 132 चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पर बताया हुआ है। तो ये 132 आर्टिकल आपके बहुत काम आने वाले हैं।